बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स, जिसके अंदर हम एचटीएमएल कवर कर रहे थे और जिसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हाउ टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन योर वेब पेज। एंड आफ्टर दिस आज हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स ऑन योर वेब पेज। टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं, टेबल्स क्यों बनाए जाते हैं। मोस्टली टेबल्स जो बनाए जाते हैं वो फॉर रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है, ठीक है। टेबल के अंदर मोस्टली हम यानी कि रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहे होते हैं अपना। वैसे टेबल की डेफिनेशन जो है वो टेबल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स में हमेशा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया जाता है, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ टीचर्स, रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक HR मैंने टैग दे दिया जो लास्ट टाइम हम यूज कर चुके हैं, जो इमेज के ऊपर हॉरिजेंटल रो, मैंने अगेन इमेज के नीचे एक हॉरिजेंटल रो दे दिया है। आफ्टर दिस टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो टेबल नाम का एक टैग प्रोवाइड किया गया है HTML की तरफ से, जो कि पेयर्ड टैग है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि टेबल की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहले सपोज मैंने एक रो बना दिया, ठीक है। और रो बनाने के लिए HTML के अंदर जो टैग यूज होता है वो होता है TR, मीन्स के टेबल रो, ठीक है। हमेशा पहले रो क्रिएट की जाती है एंड आफ्टर दिस कॉलम्स क्रिएट किया जाए। यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी तक टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं डाला है, मैंने जस्ट एक रो बनाई। मैं सपोज कि इसके अंदर एक कॉलम बना रहा हूँ और HTML के अंदर कॉलम क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ TD टैग, मीन्स के टेबल डेटा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ विद द नेम ऑफ सीरियल नंबर में एक एंड ये एक, अब देखें ये क्या है, ये एक ही रो के अंदर, ये मैंने एक रो बनाई है TR, रो के अंदर एक कॉलम बनाया मैंने, ठीक है। एंड उसी रो के अंदर मैं एक सेकेंड कॉलम बना रहा हूँ विद द नेम टेक्स्ट एंड एक थर्ड कॉलम बना रहा हूँ विद सब्जेक्ट एंड मैं एक फोर्थ कॉलम बना रहा हूँ विथ रोल नंबर, ठीक है। देखिए डिस्प्ले हो गया रिकॉर्ड। अब देखें एक ही रो के अंदर एक वेल मैनर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट हमारा रखा हुआ है एक ही रो के अंदर, ठीक है। अभी अभी तक ये टेबल की तरह नजर नहीं आ रहा, तो आप सोच रहे होंगे कि टेबल की तरह नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी इस पे इसके ऊपर फर्दर काम नहीं किया। अब सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि सीरियल नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ हो, नेम के नीचे नेम हो, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो एंड रोल नंबर के नीचे रोल नंबर हो, तो मीन वो क्या होगा, वो यानी कि एक सेकेंड रो होगी। ये फर्स्ट रो हो चुकी है, रिकॉर्ड के लिए सेकेंड रो क्रिएट होगी, तो मैं बनाऊंगा सेकेंड रो, ठीक है। मैंने एक दूसरी रो बनाई, फर्स्ट कॉलम ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के नीचे आएगा, तो मैं इसके अंदर दे रहा हूँ 01 रोल नंबर यानी कि सीरियल नंबर 01। सेकेंड कॉलम नेम के नीचे मैं अली लिख देता हूँ, थर्ड कॉलम मैं सब्जेक्ट के नीचे HTML लिख देता हूँ एंड फोर्थ कॉलम मैं रोल नंबर के नीचे अपना रोल नंबर लिख देता हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी में मेरा रोल नंबर होता था नंबर 8। ये आ गया रिकॉर्ड, देखिए स्टिल टेबल की तरह नहीं लग रहा आपको, रहे सर बॉर्डर्स नहीं है, वो कहाँ है चीज़ें, तो वो उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, इस टेबल को मैं विड्थ दे देता हूँ 50% ऑफ माई स्क्रीन, ठीक है। एंड मैं इसको विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट, जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। देखिए मैं ये टेबल के मेन पैरेंट टैग के अंदर काम कर रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली ये सेंटर पे आ गया अलाइन एट्रीब्यूट के जरिए, और विड्थ जब मैंने बढ़ाई तो टेबल के कॉलम्स भी ऑटोमेटिकली बड़े हो गए विड्थ की वजह से, ठीक है। मैं अगेन इसके अंदर एक थर्ड रो, एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, एक थर्ड रो मैं TD दे देता हूँ 02, रिकॉर्ड नंबर 02 एंड टेबल डेटा हफीज एंड टेबल डेटा सब्जेक्ट इज CSS एंड आफ्टर दिस टेबल डेटा सब रोल नंबर इज 10 सपोज, ठीक है। देखें सेकेंड रो रिकॉर्ड, सेकेंड रो बन गई, सेकेंड रिकॉर्ड आ गया। नाउ व्हाट, के हम चाह रहे हैं कि टेबल टेबल की तरह लगे, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो बॉर्डर नाम से एट्रीब्यूट है, जिसको 1 दे देने से ऑटोमेटिकली देखें बॉर्डर आ गए, अब लग रहा है कि टेबल है, ठीक है। इसको आप जितना बढ़ाएंगे, मैं 5 कर दिया, टेबल की जो आउटर बॉर्डर होगा वो इस तरह से मोटा होता जाएगा, ठीक है। मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो देखें आउटर बॉर्डर आपके इस नंबर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 1 दे देते हैं। फर्दर अगर आपने इस टेबल को और ज़्यादा डिज़ाइन करना है, जैसे कि आजकल की लेटेस्ट वेबसाइट्स के अंदर नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ तो HTML की मदद से ही पॉसिबल है, वैसे अदरवाइज पॉसिबल नहीं, HTML के ऊपर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आफ्टर दिस मैं एक और रो बना रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स जो कि टेबल के लिए यूज होते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे दो कॉलम्स बना देता हूँ एंड देन दो कॉलम्स, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलम दो मैंने बनाए हैं, इसमें से हर एक कॉलम ऊपर के दो कॉलम्स के बराबर हो, यानी कि मैं दो कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, एक बड़ा कॉलम। मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट दे देता हूँ, सपोज कि मैं इसके अंदर कर देता हूँ हेलो
एंड सेकंड के अंदर मैं कर देता हूँ हेलो। अभी भी देखें ये सिर्फ दो कॉलम्स के बराबर ही है, यहाँ पे जगह ख़राब हो रही है, देखें खाली हिस्सा। तो मैं इस फर्स्ट इस कॉलम को इन ऊपर के दो कॉलम्स के बराबर कर देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो यूज होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन आपने कितने कॉलम्स मर्ज करने, दो करने, ठीक है। देखें ऑटोमेटिकली मेरा हेलो जो फर्स्ट कॉलम था वो दो कॉलम्स के बराबर हो चुका है, ठीक है। एंड सेकेंड अभी भी उतना ही, क्योंकि मैंने सेकेंड कॉलम को ये नहीं दिया, तो मैं कॉल स्पैन इसको भी टू कर देता हूँ। एट्रीब्यूट जैसे अप्लाई किया, ये नीचे के दो कॉलम्स मेरे यानी कि दो दो कॉलम्स के बराबर हो। पर अगर आप यानी कि इस तरह से भी चाह रहे हैं कि एक ही कॉलम में बनाऊं फोर कॉलम्स के बराबर, तो इस तरह से देखें पूरा एक ही कॉलम बन गया, नीचे पूरा स्पेस ने कवर कर दिया है इसी हमारे एक कॉलम ने, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट सेम, अगर मैं ये अलाइन एट्रीब्यूट देखें मैं किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के ऊपर। तो फर्स्ट रो के ऊपर जब मैं अलाइन टैग इस्तेमाल अलाइन एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इट मीन कि सिर्फ फर्स्ट रो का जो टेक्स्ट है वो देखें सेंटर पे आ चुका है विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट। मैं रो के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको सेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये हेलो लिखा हुआ है इसको भी मैं अलाइन करके सेंटर कर दूँ, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 02। दो रिकॉर्ड्स हैं इस तरह से लिखा हुआ, देर आर टू रिकॉर्ड्स, ये दो पड़े हुए, ठीक है, और वो भी सेंटर पे आ चुका है विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट। अब मगर ये मैंने फिलहाल कॉलम को ही अलाइन एट्रीब्यूट दे दिया है, पर अगर आप रो को भी देंगे जैसे कि ऊपर मैंने दिया है, तो ये एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर रो के अंदर जितने भी कॉलम्स मौजूद हैं सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि इसमें हुआ है कि इन चारों कॉलम्स का जो रिकॉर्ड था वो सेंटर पे है, जैसे ऊपर आप फर्स्ट रो के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ये था हाउ टू डिस्प्ले एंड हाउ टू क्रिएट टेबल्स। अब जैसे कि मैंने कॉल स्पैन बताया ना, दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए या जितनी भी कॉलम्स आप मर्ज करना चाह रहे हैं, इसी तरह से रो वाइज भी अगर मैं मर्ज करना चाहूँ, ये जो दो कॉलम्स हैं वन एंड टू में, इनको आपस में मर्ज करके एक कॉलम बनाऊँ, तो उसके लिए रो स्पैन नाम का हमारे पास एट्रीब्यूट यूज होता है। तो वो रो स्पैन जो एट्रीब्यूट है वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे कह रहा हूँ कि वो आप यूज करें। सेम यही तरीका है जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, बिल्कुल इसी तरह से, कोई यानी कि मुश्किल काम नहीं है, खुद से ये चीजें ट्राई करें तो इसी तरह से आप सीखेंगे ये काम कैसे होता है, ठीक है। एंड नाउ कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो कि न्यू है, वो क्या कि टेबल, इस वक्त हम जो एचटीएमएल का जो वर्जन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि ये इस वक्त वर्जन यूज हो रहा है एचटीएमएल 5, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था और अभी तक यही हम यूज कर रहे हैं। तो एचटीएमएल 5 ने हमें कुछ नए टैग्स भी दिए थे, जैसे कि टी हेड नाम का टैग। टी हेड मीन्स कि ये एक पहचान है कि आप फर्स्ट रो को टी हेड नाम के टैग के अंदर रख दें, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट रो के ऊपर कोई चीज अप्लाई करनी है ओनली विद द हेल्प ऑफ CSS या विद द हेल्प ऑफ JavaScript, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो पे एक यानी कि अपना कोई भी चेंजेस अप्लाई करना चाहूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं किसको हिट करूँगा, टी हेड नाम के टैग को हिट करूँगा कि भाई टी हेड नाम के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उस पर ये चीज़ें अप्लाई हो जाएँ, तो पता चलेगा कि ये यानी कि फर्स्ट रो के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से देन टी बॉडी नाम का इन्होंने हमें टैग दे दिया है। बॉडी मीन्स के बकाया आप जो रिकॉर्ड है वो टी बॉडी में रख सकते हैं, टेबल का यानी कि बकाया जितना भी रिकॉर्ड है। इसी तरह से देन एक और टी फुट नाम से एक हमें टैग बना के दिया फॉर लास्ट रो के लिए एचटीएमएल 5 में, एचटीएमएल के डेवलपर्स ने, एचटीएमएल के डिजाइनर्स ने हमें। ये जस्ट इसी वजह से है कि हम आप जो हैं डायरेक्टली अगर हम चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ फर्स्ट रो के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाए या सिर्फ लास्ट रो के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाए, या मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे बीच के जितना भी रिकॉर्ड है उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए ये अलग अलग से टैग्स हमें आसानी के लिए HTML5 ने प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।